आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। कभी जब फोन का आविष्कार किया गया था तो किसने सोचा होगा कि जो फोन विज्ञान जगत का इतना जरूरी आविष्कार है, एक दिन आएगा जब ये फोन इतना ओवर यूज किया जाएगा कि लोग इसी फोन से दूर रहने के तरीके खोजेंगे। विज्ञान का एक ऐसा ही आविष्कार है लाउडस्पीकर। बना तो था लोगों तक आवाज स्पष्ट और आसान तरीके से पहुंचाने के लिए, लेकिन आज शोर का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। लाउडस्पीकर से हल्ला तो होता ही है, लाउडस्पीकर को लेकर हल्ला ज्यादा है। लेकिन इस यंत्र का इतिहास क्या रहा है, कब ये पहली बार अस्तित्व में आया और ये काम कैसे करता है, ये बातें भी बड़ी दिलचस्प हैं। और आज के एपिसोड में इसी पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू और ये है आज तक रेडियो का पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। 161 साल पहले जोहान फिलिप रीस ने टेलीफोन में इलेक्ट्रिकल लाउडस्पीकर लगाया था ताकि टोन अच्छे से सुनाई पड़े। लेकिन टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में पहले इलेक्ट्रिक लाउडस्पीकर का पेटेंट करा लिया। उसके बाद अर्नेस्ट सीमेंस ने इसमें कई सुधार किए, जो लगातार होता चला आ रहा है। फिर ये स्पीकर लाउडस्पीकर बन गया। धातु के गोल गड्ढेनुमा आकृति, जिसके पतले हिस्से से आवाज निकलती है और चौड़े हिस्से से दूर दूर तक फैल जाती है। वक्त के साथ लाउडस्पीकर की तकनीक विकसित होती गई। आज तक .in में साइंस जर्नलिस्ट ऋचिक मिश्रा लाउडस्पीकर की तकनीक में आए एवोल्यूशन को साल दर साल बताते हैं। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, 161 साल पहले जोहान फिलिप रीस जो थे, साइंटिस्ट टाइप के थे, इंजीनियर थे इलेक्ट्रिकल, उन्होंने टेलीफोन में इलेक्ट्रिकल लाउडस्पीकर लगाया था। बाद में अब जब टेलीफोन की बात आती है तो ग्राहम बेल की बात आती है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। उन्होंने क्या किया, फिर इसको इलेक्ट्रिक लाउडस्पीकर को पेटेंट करवाया। फिर आपने एक मोबाइल कंपनी का नाम सुना होगा, सीमेंस, अर्नेस्ट सीमेंस के नाम पे था। अर्नेस्ट सीमेंस भी इंजीनियर थे इलेक्ट्रिकल, उन्होंने लगातार उसमें कई तरह की सुधार किए, अपग्रेड किया उसको। दो हिस्से होते थे लाउडस्पीकर के, आज भी वही दो हिस्से हैं। पीछे एक गोल खांचे वाला चुंबक वायर के साथ कनेक्टेड, और आगे एक बड़ा गोलाकार ढांचा जिसमें से आवाज़ निकलती, जिसको देसी भाषा में भोपू कहा जाता है। अब 1924 के आसपास रेडियो में पहली बार लाउडस्पीकर को लगाया गया था, और उसके बाद 1954 में एडगर विल्चर थे जिन्होंने एकॉस्टिक सस्पेंशन की खोज की। फिर म्यूजिक प्लेयर्स में स्पीकर को लगा के घूमा जाने लगा। तो आप अगर कभी ध्यान दें तो 60 और 70 के दशक की जो पुरानी हॉलीवुड मूवीज़ या हिप्पी कल्चर हुआ करता था, उसमें लोग अपने कंधे पे बड़े बड़े कैसेट प्लेयर, रिकॉर्डर और म्यूज़िक प्लेयर्स लेकर के घूमते थे जिसमें स्पीकर्स होते थे, और वो उसी के सहारे पिकनिक मनाते थे, बीचेस पे जाते थे, इन्जॉय करते थे। 80 के दशक में बड़े कैसेट प्लेयर्स में ये चलने लगा, और 90 के दशक में वही वॉकमैन में बदल गया। फिर लाउडस्पीकर का साइज़ जो है वो छोटा होता चला गया, स्पीकर्स होने लगे, हेडफोन्स हो गए, हेडगियर्स हो गए, ईयरफोन हो गए। तो अब तो स्पीकर इतने छोटे आ गए हैं कि आप बारीक से बारीक अच्छी क्वालिटी की आवाज़ बहुत छोटे से इंस्ट्रूमेंट में सुन सकते हैं। अब समझना ये भी ज़रूरी है कि लाउडस्पीकर काम कैसे करता है। दरअसल लाउडस्पीकर के अंदर आमतौर पर एक चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, जिसके चारों तरफ एक पतली जाली होती है। जैसे ही इलेक्ट्रिकल तरंगे चुंबक से टकराती हैं, वो वाइब्रेशन पैदा करता है। इस वाइब्रेशन से जाली हिलती है, जिसमें एम्पलीफाई करके आवाज बाहर की ओर भेज दिया जाता है। लाउडस्पीकर के काम करने के तरीके के बारे में ऋचिक विस्तार से बताते हैं, सुनिए। जी देखिए, मैंने पहले बताया कि इसके दो हिस्से हैं। लाउडस्पीकर के अंदर आमतौर पर एक बड़ा चुंबक होता है जिसके चारों तरफ पतली सी जाली लगी होती है, ये मेटल की होती है। जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट जो होती है, इलेक्ट्रिकल तरंगे जो है चुंबक से टकराती हैं, तो वाइब्रेशन पैदा करता है। अब हमारी आवाज़ जो है उसमें मॉड्यूलेशन होता है, उस मॉड्यूलेशन की वजह से वो जो जाली है उसी हिसाब से वाइब्रेट करती है। जैसे मैंने अगर ज़ोर से कोई शब्द या अक्षर कहा तो ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, कम में कहा तो धीमी आवाज़ में कहा तो कम वाइब्रेट करेगी। तो उसी वाइब्रेशन से जाली हिलती है, जिसे एम्पलीफाई करके आवाज़ को बाहर भेजा जाता है। मतलब उस आवाज़ को और थोड़ा सा एम्पलीफाई करते हैं, मतलब उसको बड़ा बनाते हैं, फैला देते हैं। तो लाउडस्पीकर की यही तकनीक है।
तो ये था लाउडस्पीकर के काम करने का मैकेनिज्म। बाकी तो जग जाहिर है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक फायदा और दूसरा नुकसान। लाउडस्पीकर के भी हैं। जाहिर है आवाज दूर तक पहुंचाने के लिए ये उपयोगी है, लेकिन नुकसानदेह भी है। तकनीक के विकास ने लाउडस्पीकर की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज कर दी है। सो अब ये लाउडस्पीकर सुविधा के अलावा ध्वनि प्रदूषण का भी पर्याय बन गया है। तो ये थी कहानी लाउडस्पीकर के इतिहास और उसके काम करने के पीछे के मैकेनिज्म की, जो हम आज के ज्ञान ध्यान में आपके लिए लेकर आए थे। आपको कैसा लगा बताइए हमें radio@aajtak.com पर। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी नितिन रावत। अब मुझे यानी खुशबू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।